Good morning students, I'm Anjali Gandhi, your social science teacher. Welcome to online classes organized by Adinath Public School. So we are going to start our classes now. Thank you. Chapter number 2, Diversity and Discrimination. In last class, we have learned about the diversity. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या था ये हम पूरा देख चुके थे. एक चैप्टर था हमारा इस पर कि डाइवर्सिटी क्या है, कैसे लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है हमारी, जो कल्चर, जो हमारा फेस्टिवल्स हैं वो हमारे सब क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे. फिर हमने देखा कि कैसे डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब क्या थे, एक थे. ठीक है, क्योंकि यूनिटी किस में है, डाइवर्सिटी में है. हमें इसको क्या करना है, एंजॉय. लास्ट क्लास में हमने करा था ना, आपको अच्छे से समझाया था डाइवर्सिटी. तो ठीक है, बट यहाँ पर डाइवर्सिटी के साथ क्या आ गया, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से कवर करते हैं. आई होप कि आप सब एंजॉय करेंगे. पॉइंट्स वी कवर्ड इन दिस चैप्टर, दीज आर द पॉइंट्स दोस वी विल कवर्ड इन दिस चैप्टर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिफरेंस एंड प्रेजुडाइस, कि कैसे लोग जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और वो डिफरेंट किस किस बेसिस पर होते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वी आर द गेम्स. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या बनाती हैं, दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं. और क्या है, क्या वो चीज़ें हैं, कि कैसे हम रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, कैसे हम, क्या हम खाते हैं और क्या वियर करते हैं और कौन से गेम हम प्ले करते हैं. ठीक है ना, वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री से, कि ज्योग्राफी कैसी है, कि हम कहाँ पर लीव कर रहे हैं, हम सी के पास रह रहे हैं या हम रिवर है उस एरिया में या हम हिली एरिया पर रह रहे हैं. तो ये क्या होती है, हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हमारा पास्ट बताता है कि हम कैसे लीव करते थे. तो हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बेसिस पर हम सब क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब हमने देखा था कि जो हमारे जो कंट्री है, इंडिया कंट्री है, मोर दैन 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पर. कितनी लैंग्वेज है, 1600. इट मीन्स देखो कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, कि 1600 लैंग्वेज हो गई एंड देयर आर मोर दैन 100 डांसेस फॉर्म, कि जो हंड्रेड्स के फॉर्म, जो डांसेस के फॉर्म है ना, वो मोर देन 100 है. इट मीन्स इन इंडिया मोर देन 100 डांसेस फॉर्म आर देयर, कि 100 फॉर्म्स हैं कहाँ पर, इंडिया में. तो क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई ना, कि इतने सारे हमारे क्या हो गए, कल्चर, सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डांसेस भी सबके क्या होती हैं, अलग है. कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, ठीक है, कोई राजस्थानी है. ठीक है, तो दीज आर द डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिया में 8 रिलीजन है. ठीक है, आप देख रहे हैं ना, डांस के फॉर्म मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है. ठीक है, 8 रिलीजन है आपके. और जो आप क्या करते हैं, कि जब आप किसी भी एक दूसरे कल्चर के पीपल के साथ मीट करते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपका, उसका जो टॉकिंग जो है सेंस वो डिफरेंट है, और उसका जो मीन्स कि अगर उसका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, वो फेस्टिवल अपने अलग अलग क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, वो हमसे पूरी तरीके से डिफरेंट है, तो हम क्या नहीं कर पाते, कि अगर हम जो साउथ इंडियन अगर एक पीपल हैं उससे मिलें और उससे हम बात करें, तो हम क्या नहीं करते, कि हम फील नहीं करते और हम सिक्योर फील नहीं करते. ये हमारी क्या होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसे हमने क्या किया हुआ है, कि अपना माइंड सेट किया हुआ है, कि हम क्या हैं, कि हम राजस्थानी हैं तो हम राजस्थानी लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं, हम पंजाबी हैं तो हम पंजाबी लोगों से बात करें. बट ऐसा नहीं होता है कि जो सभी कल्चर हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. और ऐसा नहीं है कि राजस्थानी लोगों का राजस्थानी लोगों से ही ज़्यादा टच होता है. आप देखते हैं कि सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी करते हैं, चाहे वो कौन से भी रिलीजन से बिलोंग करता हो. ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, कि एटीट्यूड है, ओपिनियन है. ठीक है, हमारा दूसरों के लिए क्या एटीट्यूड है, ओपिनियन है, कि कैसा हम एटीट्यूड रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं. ठीक है, कि हम समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर. ये हमारी थिंकिंग होती है, कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हम उसको कैसा फील कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंज और अनफैमिलियर, हम उससे अनफैमिलियर होते हैं. ठीक है ना, जो हमारे से क्या हो, डिफरेंट हो.
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज, ये बुक की वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, कि अगर हम किसी भी पीपल को क्या करते हैं, नेगेटिवली जज करते हैं, वेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि अगर हम क्या करते हैं, If we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other language negatively. ठीक है, कि अगर हमको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, इंग्लिश, तो हमको सबसे अच्छी जो बेस्ट लैंग्वेज लगेगी ना वो इंग्लिश लगेगी। अगर हमको हिंदी लगती है तो हमको हिंदी लगेगी, और लैंग्वेज हमको क्या लगेगी कि हम सोचेंगे कि ये लैंग्वेज क्या होती है, बेकार होती है। बट जिसको जो आती है उसको तो, उसके लिए तो वो बेस्ट है ना। तो सारे लैंग्वेजेस सबके लिए, जो भी लैंग्वेज जो जानता है वो सबके लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। एज रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। तो हमारी टेंडेंसी क्या बनी हुई है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज हम प्रेफर करते हैं और हमें इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छी लगती है, ठीक है ना, और हम उसी को ही क्या करते हैं, बोलना पसंद करते हैं। और जो इंग्लिश से डिफरेंट लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं, हम उनको क्या करते हैं कि हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हमने क्या किया हुआ है, माइंड सेट किया हुआ है कि ये क्या हो गया हमारा प्रिजुडाइज, कि हमने दूसरे के बारे में अपना एक थिंकिंग बना रखी है, वो नेगेटिव थिंकिंग हमने बना रखी है। वी कैन प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल रिलीजियस हो गए, बिलीफ हो गए, द कलर ऑफ देयर स्किन हो गया, कि उसका स्किन का कलर क्या है, वो काला है, वो गोरा है, ठीक है, मेरे को गोरे अच्छे लगते हैं, मुझे काले अच्छे नहीं लगते हैं। द क्लोथ्स दे वियर, कि वो जो ऐसा क्लोथ्स वियर कर रहा है, मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है। ऑफन आवर प्रिजुडाइज अबाउट अदर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट नॉट वॉन्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद दैम, कि हम उनसे क्या नहीं करना चाहते, फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट दैम, हम जैसा वे कर रहे हैं, जैसा हम उनके सामने एक्ट करते हैं, वो उनको क्या करता है, हर्ट भी करता है, ठीक है। अब आप अपना, जब बुक में मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ, आपको जो भी लेक्चर मैं दूंगी या सॉरी लेसन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको क्या करना है कि आपको जब मैंने पढ़ाया तो आपको बुक के साथ उसको रीड करना है, अच्छे से उसको समझना है, और कुछ समझ नहीं आता तो आपको मुझे साथ साथ उसे क्लियर भी करना है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी, मुझे भी पता लगेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं फील करती हूँ कि मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब आप जब बुक ओपन करेंगे ना, तो आपके यहाँ पर साइड में एक बॉक्स दिया हुआ होगा ना, ठीक है। तो बॉक्स में आपको दिया हुआ है कि लिस्ट दी हुई है, और पीपल को आपको क्या करना है कि हमने क्या किया हुआ है, प्रिजुडाइज करना है अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल के। तो क्या है, अर्बन पीपल और रूरल पीपल के बारे में लोगों की मोस्टली थिंकिंग क्या होती है, कि मोर देन 50% ऑफ इंडियन लिव इन विलेजेस, कहाँ रहते हैं 50% जो इंडियंस हैं वो कहाँ लिव करते हैं, विलेज में ही। और पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो विलेज में जो लोग रहते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने में इंटरेस्ट नहीं होता। और जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं और प्लांटेशन करते हैं, तो वो 12 to 14 hours कहाँ का वर्क करते हैं, फील्ड में ही वर्क करते हैं। और विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये हमने क्या बनाई हुई है, रूरल पीपल के लिए टेंडेंसी बनाई हुई है प्रिजुडाइज। तो ये क्या हो गया, प्रिजुडाइज ही तो हो गया, कि हमने रूरल पीपल 50% पीपल कहाँ रह रहे हैं, विलेज में ही, और उनका वर्क जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, 12 to 14 hours वो फील्ड में ही वर्क करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग। और वो कहाँ मूव होते हैं, सर्च वर्क करने के लिए विलेजेस की तरफ, ठीक है। और अर्बन पीपल के लिए लोगों ने क्या थिंकिंग बनाई है, लाइफ इन सिटी इज़ इजी, लाइफ की जो सिटी की जो लाइफ है वो कैसी होती है, इजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी होते हैं यहाँ के लोग, द सिटी फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विच ईच अदर, पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। ये हमने क्या बनाई हुई है थिंकिंग, किसके लिए, ये अर्बन पीपल के लिए और रूरल पीपल के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है प्रिजुडाइज का, और कैसे क्रिएट किया हुआ है हमने हमारी कंट्री में, कैसे हमने प्रिजुडाइजेस को क्रिएट किया हुआ है, कैसे हम थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं अबाउट आर रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। क्या होता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स? मींस आपने देखेंगे जब आप बुक ओपन करेंगे ना अपनी, तो आपको साइड में बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपको अरेंज करना है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ये आपको दिए हुए हैं, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक टू थिंक अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन, कि कौन वेल बिहेव्ड होते हैं, कौन सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल होते हैं, दे आर फिजिकली स्ट्रांग बॉयज़ होते हैं ना, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। दे आर नॉटी, गर्ल्स भी होती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि बॉयज़ ही होते हैं, ठीक है ना। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, कि कौन गुड होते हैं डांस में और पेंटिंग में, गर्ल्स होती हैं, बट ऐसा नहीं। आज आप देखेंगे तो बॉयज़ भी कम नहीं हैं डांस और पेंटिंग में। दे डोंट क्राई, कौन क्राई नहीं करता है, कि भाई बॉयज़ हैं वो स्ट्रांग होते हैं, आपको रोना नहीं चाहिए, बॉयज़ स्ट्रांग हैं। कुकिंग में गर्ल्स परफेक्ट होती हैं, दे आर इमोशनल। तो हमने क्या किया हुआ है, स्टीरियोटाइप्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि गर्ल्स क्या होती हैं, बॉयज़ से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती हैं, वो हमेशा बॉयज़ के नीचे नीचे होती हैं। देखें आपको पिक्चर शो करी है ना मैंने आपको, गर्ल नीचे और बॉय क्या है ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने स्टीरियोटाइप्स क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, कि एक माइंड सेट कर लिया कि बॉयज़ डोंट क्राई। कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं कि बच्चे रोते ही हैं, बेबी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो दोनों ही रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि है ना बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉयज़ नहीं रोते हैं, ठीक है ना, बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, गर्ल्स रोती हैं, गर्ल्स वीक होती हैं, ठीक है। और जब बॉयज़ रोने लगते हैं किसी के सामने तो हम उनको क्या करते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, इट मीन आप वीक हो, ठीक है ना। तो वो हम उनके ऊपर हंसते हैं, टीज करते हैं, एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर। फिर वो क्या करने लगते हैं, अपने आप को वैसे ही क्या कर लेते हैं, अपने आप को वैसे ही वो चेंज कर लेते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, रोते नहीं हैं। और वो अपने माइंड में फिर बड़े होकर यही सेट करते हैं कि बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं और रोते नहीं हैं किसी के भी सामने, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया हुआ है कि हम स्टीरियोटाइप्स क्या कर रहे हैं कि हमने क्रिएट किया हुआ है कि बट ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स भी क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और गर्ल्स भी कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि जो क्या होती हैं कि जो रोती नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि बॉयज़ ही ऐसा होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा था कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम अपने पीपल को क्या कर देते हैं एक इमेज में कि हमने फिक्स कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। दे आर स्टिंगी एंड जेनेरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, ठीक है, इन एवरी रिलीजन। हमको क्या करते हैं कि हमको हर रिलीजन में, हर कंट्री में ही ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वो पर्टिकुलर कंट्री या रिलीजन में ही ऐसा होता है कि वो लेजी हैं, वो डम हैं, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट किया हुआ है कि हमने देखा कि गर्ल्स मोस्टली क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वेल बिहेव्ड होती हैं। तो हमने क्या क्रिएट किया हुआ है कि हमने स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप में हम क्या करते हैं कि एक पीपल को एक इमेज में हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस। स्टीरियोटाइप हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि वॉट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या है इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। कि डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब हैपन होता है, कि डिस्क्रिमिनेशन तब हैपन होता है जब हम प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप को क्या कर देते हैं, हैपन होने लगता है, तब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्रिएट। प्रिजुडाइस में भी मैंने आपको बताया ना कि क्या करते हैं, हम किसी को नेगेटिवली देखने लगते हैं, और स्टीरियोटाइप में हम उसको वन इमेज में क्रिएट कर देते हैं। तो इससे क्या क्रिएट होता है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, एंड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर डाउन, पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी एंड टेकिंग अप जॉब्स, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, prevent them from taking water from the same well,
और हैंड पंप और नॉट अलाउड देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम. जब आप क्या करते हैं कि किसी भी को भी आप क्या कर रहे हैं कि आपको ये जॉब नहीं करनी है, आप उसको यहाँ रहने से मना कर रहे हैं, आप उसको उस वाटर का जो ग्लास है उसमें आप उसको टी या जो भी है कि आप उसमें पानी नहीं पी सकते, तो ये क्या हो गया, हम कि क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, हम किसी से क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी आ जाती है ना. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन. जैसे आपने लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, समीर एक और समीर दो की जो स्टोरी देखी थी, देखा था ना कि कैसे दोनों एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे, इकोनॉमिकली भी दोनों क्या थे, कि समीर दो जो था वो क्या था आपका, समीर दो तो क्या था कि वो अच्छा था, उस रिच था, लेकिन जो समीर वन था वो, जो समीर दो था वो पुअर था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन जो समीर वन था वो रिच था, और जो समीर वन था वो एजुकेटेड भी था, लेकिन जो समीर दो है वो एजुकेटेड भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी ना. तो इस तरीके से काफ़ी जो इकोनॉमिकल रिलीजन जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे क्या क्रिएट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना. और फिर हमने देखा था कि आप जब आप बुक ओपन करेंगे ना तो आपको एक स्टीरियोटाइप आएगा, किसके लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए, कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना क्या करते हैं कि वो गर्ल्स को क्या नहीं करते, एजुकेशन नहीं देते हैं, और है ना गर्ल्स को एजुकेशन, उनको गर्ल्स को एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, कौन, मुस्लिम्स. बट जब स्टडी की गई तो मुस्लिम लोगों के लिए ऐसा देखा गया कि सबसे ज़्यादा जब हमने बसेस लगाई और जब उन गर्ल्स को हमने एजुकेशन देना स्टार्ट किया, तो जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज था वो किसका था, मुस्लिम गर्ल्स का ही था. और वो पोवर्टी की वजह से, जो उनका रीज़न जो था वो पोवर्टी था, ठीक है ना, कि वो स्कूल को क्या नहीं कर पा रही थी, अटेंड नहीं कर पा रही थी, बट रीज़न ये नहीं था कि वो मुस्लिम लोग जो थे वो अपनी गर्ल्स को क्या नहीं करते थे, स्कूल नहीं भेजते थे, ऐसा नहीं था, ठीक है. तो पोवर्टी की वजह से भी और डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो एजुकेशन नहीं गेन कर पा रही थी. उनका जो मेन रीज़न था वो यही था कि मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, क्यों उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था. बट जब हमने देखा स्टडी की तो ये पता लगा कि पोवर्टी, देयरफॉर पोवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज फॉर नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल इन द स्कूल. पोवर्टी था, नॉट रिलीजन. पोवर्टी एक क्या था, मेन रीज़न था, और ना कि क्या था, रिलीजन, नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम स्कूल इन द गर्ल्स, ठीक है. तो ये क्या था हमारा, डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता था. फिर क्या देखा था हमने कि दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, स्कूल्स में भी, ऑफिसर्स में भी आपने देखा कि हमको बैडली ट्रीट करते थे, कि जो लोग हैं कि जो आपके अपर कास्ट के लोग हैं वो तो क्या करेंगे, वो स्कूल्स भी जा सकते हैं, वो इस मंदिर में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, वो ऑफिस भी जा सकते हैं, बट जो लोअर कास्ट पीपल थे, लाइक जो दलित थे या जो एससी से आपके बिलोंग करते थे, मैं बताऊंगी आपको कि दलित क्या हैं, तो वो क्या नहीं जा सकते थे ना, तो वो स्कूल जाते थे, तो उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैसे आए, हमने कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया. पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सब क्या थे, डिफरेंट काइंड, वो टीचिंग भी करते हैं, कारपेंट्री भी करते हैं, पोएट्री भी करते हैं, वीविंग भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं, ठीक है ना. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे. एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गारबेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू. जो कुछ इन्होंने जो वर्क थे वो फिक्स करे हुए थे, कि जैसे कि जो आपका कटिंग होगा हेयर का, या क्लीनिंग होगा, वॉशिंग होगा, पिकिंग गारबेज, ये तो क्या करेंगे, लेस वैल्यू पीपल जो थे वो क्या करेंगे, इस डर्टी वर्क को करेंगे, ठीक है ना. कि उनके लिए क्या करा हुआ था कि आप ये काम कर सकते हैं. इन कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़, और जो आपके कास्ट जो था वो सुपीरियर जो थे वो, जैसे कि आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है कि कैसे, आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे आपको जो गारबेज को रिमूव करना, एनिमल्स को रिमूव करना, ये तो आपके लोअर कास्ट पीपल करेंगे, जो जिनको हम रखते थे अनटचेबल कैटेगरी में रखते थे, ठीक है ना. लेकिन जो आपका जो टीचिंग का है, और जो आपका ऑफिस का है, जो स्कूल में चिल्ड्रन को पढ़ाने का काम है, ये कौन करेंगे, आपके अपर कास्ट पीपल जो थे वो करेंगे, ठीक है. अब आप देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किस तरीके से जो हमारा सोसाइटी थी उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है. अनटचेबल हो गए थे, जो लोग अनटचेबल थे उनको कुछ भी वर्क ऐसा नहीं करने दिया जाता था,
जिससे कि वो अपने आप को कैसा फील करते थे, सैड फील करते थे. डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट इज ऑल्सो डिनाइज दैम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू. उनकी जो डिग्निटी थी वो उनको क्या होता था, हर्ट होता था कि किस तरीके से हमें ये वर्क को नहीं करने दिया जाता था. अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताऊंगी. जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो एक स्टोरी है उससे बताती हूँ कि क्या डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उन वो भी क्या थे कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, कि कैसे उन्होंने इस सारा फेस किया, कि किस तरीके से उनके साथ एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपना शेयर किया क्या था. कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक थे आपके ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड. जब वो क्या थे, 9 ईयर ओल्ड थे, ठीक है. ही हैड गोन विथ हिज, उन्होंने क्या किया कि वो अपने किसके साथ, दोनों भाइयों के साथ कहाँ जाना चाहते थे, अपने गांव जाना चाहते थे, कोरे गांव विच इज़ नोन एज महाराष्ट्र, कि जो अब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है. अब जब वो महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने दोनों भाइयों के साथ जा रहे थे तो वो क्या थे कि वो स्टेशन पे खड़े हुए थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे, लेकिन ना तो उनके फादर उनको पिक करने आए थे ना कोई और उनको पिक करने आया था. तो वो बहुत देर से खड़े खड़े वहाँ पर परेशान हो गए थे. ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ. आपको क्या करना होगा, इस स्टोरी को आप अच्छे से रीड कर लेंगे जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे, इसको मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ. तो किस तरीके से फिर कोरेगांव जाते वक्त क्या हुआ कि फिर एक स्टेशन मास्टर आया तो उसने पूछा कि आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं और आपको कोई लेने नहीं आया यहाँ पर. तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को यहाँ पर मेरे फादर आने थे या फिर मेरे को कोई मेरी फैमिली से कोई लेने आने वाला था लेकिन कोई मुझे लेने नहीं आया. और वो वेल ड्रेसअप थे तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये हिंदू होंगे और इस तरीके से उन्होंने बात करना शुरू किया. वो वेल ड्रेसअप थे, ठीक है. और जो सबसे ज़्यादा आज हमारी कंट्री में जो सबसे जो वो क्या वो फिर वेट करते रहे बहुत देर तक, वहाँ पर कोई आया नहीं, ठीक है. बट फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते. तो उन्होंने कहा कि मैं मेहर हूँ. और जो मेहर थे उस टाइम पर वो शेड्यूल कास्ट में उनको इंक्लूड किया जाता था. तब उनको पता लगा तो वो उनसे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दूर हो गए, स्टंड हो गए कि वो उनका फेस जो था उनको देख के बहुत ज़्यादा वो हो गया और वो उनसे दूर भागने लगे, ठीक है. फिर उन्होंने पूछा कि बहुत देर हो गई कि मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ. तो वो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को कोई बुलक कार्ट यहाँ से मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा बुलक कार्ट पर, और बिकॉज़ मेरे फादर जो थे मुझे लेने नहीं आए अभी तक, तो मैं बुलक कार्ड पे भी जा सकता हूँ. बट बुलक कार्ड भी उन्होंने बोला कि आप महर हैं और आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको ले जाने के लिए रेडी नहीं होंगे. फिर जो स्टेशन मास्टर था वो घर चला गया. फिर हाफ एन आर बाद फिर वो स्टेशन मास्टर वापस आता है. फिर वो पूछता है कि कभी आपको लेने आया, तो उसने कहा नहीं. फिर किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब आप जाना चाहते थे तो किस तरीके से वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाए थे, कि क्यों उनको शेड्यूल कास्ट की वजह से उनको इतना फेस करना पड़ा, उनको अनटचेबल फील कराया और पैसेंजर को कोई मतलब वो स्टेशन मास्टर उनको कैसे मतलब देख रहे थे, वो साइलेंटली देख रहे थे कि बिहेव करने लगे, कि कैसे वो मतलब उनको ले जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ. तो फिर जो आपका जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने अपनी स्टोरी को यहाँ शेयर किया. कंसीडर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित. वो दलित के क्या थे, बेस्ट लीडर बने. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट दैट कम्प्लीटेड कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर. और वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने दलित जो थे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और इंग्लैंड से उन्होंने लॉयर बने. डॉक्टर अंबेडकर जो थे बिलीव करते थे, उन्होंने दलित से फाइट किया कि कैसे कास्ट सिस्टम को रिमूव कराया जाए, कि किस तरीके से मैंने फेस की वो चीज़ें, वो आगे वो चीज़ें सबको फेस ना करनी पड़े. तो इसलिए उन्होंने दलित जो थे, दलित कौन होते थे ये मैंने अभी नीचे बताया आपको कि कौन थे. दलित इज़ द टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, किस में उनको हम इंक्लूड करते थे, लोअर कास्ट में, ठीक है.
दे प्रिफर हिम वर टू अनटचेबल, जो इसका मीनिंग क्या होता था, अनटचेबल. दलित मीन्स देयर दोज हु हैव बीन ब्रोकन. दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजुडाइसिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल. द गवर्नमेंट रिफर्स टू हिज ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको किस में इंक्लूड किया हुआ था, दलित को शेड्यूल कास्ट में. तो अब उनको हम किससे बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट में, ठीक है ना. क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर किया गया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आपके बहुत सारे एफर्ट किए थे. उन्होंने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया जाए, कि किस तरीके से मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी वो आगे जो भी दलित हैं या जो एससी शेड्यूल कास्ट में जो लोग इंक्लूड होते हैं उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि उनको हर जॉब में उनको इक्वालिटी दी जाए और उनको हर एरिया में उनको इक्वल रखा जाए, कि किसी तरीके से उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं किया जाए और हर वर्क उनको इक्वली प्रोवाइड किया जाए, ठीक है. तो ये स्टोरी हो गई आपकी किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि कैसे हमने इक्वालिटी को कैसे स्ट्रगल किया, कैसे हमने फाइट किया. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली. कि कैसे उन्होंने, जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ जब स्ट्रगल किया था हमने, तो कैसे हमने अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ी थी. दलित वूमेन ट्राइबल एंड पीजेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस देयर लाइव्स. तो उन्होंने जो वूमेन थी या ट्राइबल थे जो पैसेंजर, वो उन्होंने अपना इनइक्वालिटीज़ का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया. व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन 1947 आवर लीडर टू वर कंसर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट. राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिसाइज इन आवर कंट्री. फिर डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया तो उनको भी वहाँ पर इंक्लूड किया गया, कि किस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प करी एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कराई उन्होंने, हमें कंपलसरी कर दिया कि सब जो रिलीजन है, सब जो है वो सब क्या है, सेम है, हम फ्री हैं, किसी भी हम रिलीजन को हम कर सकते हैं, मान सकते हैं, कहीं पर भी हम कोई सी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं. दे सेड द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली. उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रीट करेगी सभी रिलीजन को इक्वली. नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. कि ये कंपल्सरी नहीं होगा कि आपको इस रिलीजन को, इस फेस्टिवल को ही क्या करना है, इस लैंग्वेज को ही फॉलो करना है, हम सब क्या हैं, फ्री हैं, ठीक है. फिर उन्होंने हमको क्या किया था, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आर नेशन. जिन्होंने हमें क्या किया कि दलित जो थे शेड्यूल कास्ट को क्या कराया, फ्री कराया, और किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इनइक्वालिटी थी कि वो इस जॉब में नहीं जाएंगे, जो कुछ वर्क थे वो अनटचेबल पीपल के लिए ही फिक्स करा हुआ था कि, और कुछ शेड्यूल कास्ट ही ये वर्क कर सकती है, बट सभी लोग क्या हैं, फ्री हैं. और जो भीमराव अम्बेडकर थे आपके, वो उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टोरी को शेयर किया और किस तरीके से बताया कि कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट थी उनको रिमूव किया, और इक्वालिटी आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो हमने रिमूव की और कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया, ठीक है. तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आज सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ, एक बार रिवाइज करा देती हूँ. सबसे पहले हमें देखा था डिफरेंस एंड प्रिजुडाइसेस, कि कैसे प्रिजुडाइसेस डिफरेंट होते हैं, सब हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है. हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो हमारे को क्या करती है, डिफरेंट करती है. लैंग्वेजेस 1600 लैंग्वेज है, 8 रिलीजन थे, ठीक है, मोर देन 100 डांसेस थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज, इट मीन्स नेगेटिवली किसी के लिए माइंड में एक सेट कर लेना, ठीक है, कि क्या वो नेगेटिवली हम किसी के बारे में थिंकिंग बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा. रूरल पीपल के लिए, अर्बन पीपल के लिए क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स किया था हमने, कि कैसे गर्ल्स सॉफ्ट स्पोकन होती है बट ऐसा नहीं होता है, किस तरीके से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे हमने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम लड़े थे, ठीक है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टोरी थी, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दलित क्या था, और स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. थैंक यू. So now, if you face any issue at the time of learning this lesson, you can call me or message me anytime. Thank you. Have a nice day.